नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिष वाणी पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, ज्योतिष और मानव कल्याण पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, प्रातःकाल उठते ही सभी के मन में ये आशा होती है कि आज का दिन हमारे लिए शुभ रहेगा या कुछ अनुचित तो नहीं लेकर आया होगा, इसलिए आप सभी अपनी राशि के अनुसार आज का राशिफल जानने के लिए उत्सुक होंगे। अगर आज यानी 27 मार्च 2024 बुधवार को आपका जन्मदिन है तो सबसे पहले आपको मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है तो आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुधवार को चंद्रमा शुक्र देव की राशि तुला में संचार करेंगे, वही चंद्र और मंगल ग्रह एक दूसरे से 9वें और 5वें भाव में मौजूद रहेंगे, जिससे नवम पंचम राजयोग का निर्माण होगा। साथ ही आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज के दिन चंद्र मंगल नवम पंचम योग के साथ हर्षण योग, बुधादित्य योग और चित्रा नक्षत्र का शुभ संयोग भी बनने वाला है, जिससे आज के दिन का महत्व भी बढ़ गया है। मेष राशि वाले सोच समझ कर फैसले लें, युवा करियर को लेकर सजग रहेंगे। वृष राशि वाले की बिजनेस स्थिति में सुधार आएगा, युवाओं को भी शुभ परिणाम मिलेंगे। मिथुन राशि वालों का पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, इनकी सेहत में भी सुधार आएगा। आइए जानते हैं कैसा बीतेगा अन्य राशि वालों का दिन। सबसे पहले जानते हैं मार्च का चौथा बुधवार मेष राशि के लिए क्या लेकर आया है। समय आपके पक्ष में करवट ले रहा है, आपके आसपास के लोग आपको एक प्रेरणा के रूप मिलेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होंगे। स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, आपके जीवन में रोमांस फिर से आने की संभावना है। आज आप अपने दिन का आनंद उठाने वाले हैं। आपके लिए आज का खास उपाय, भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं। शुभ अंक 9, शुभ रंग ब्राउन। अब जानते हैं मार्च का चौथा बुधवार वृषभ राशि के लिए क्या लेकर आया है। आर्थिक रूप से चीजें आपके पक्ष में नहीं हो सकती हैं, क्योंकि व्यापार में भारी नुकसान की भविष्यवाणी की गई है, शायद किसी पुराने संपत्ति निवेश से। हालांकि नए अवसर आपके सामने आ रहे हैं और उन्हें हासिल करने का यह एक अच्छा समय है। स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि दवा ने काम करना शुरू कर दिया है। आपके लिए आज का खास उपाय, गायत्री मंत्र का जाप करें। शुभ अंक 20, शुभ रंग व्हाइट। अब जानते हैं मार्च का चौथा बुधवार मिथुन राशि के लिए क्या लेकर आया है। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपना ख्याल रखें। निजी जीवन को मजबूती मिलेगी, आर्थिक तौर पर आप किसी रिश्तेदार या दोस्त से मदद मांग सकते हैं। छात्रों को उस कंपनी से सावधान रहना चाहिए जिसमें वे हैं, क्योंकि कोई उन्हें कुछ अनैतिक काम करने के लिए मजबूर कर सकता है। आपके लिए आज का खास उपाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप करें। शुभ अंक 19, शुभ रंग रेड। अब जानते हैं मार्च का चौथा बुधवार कर्क राशि के लिए क्या लेकर आया है। आज शाम आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ बाहर घूमने की योजना बना सकते हैं। कार्यस्थल पर यह आपके लिए शांतिपूर्ण और आनंदमय दिन रहने वाला है। कोई नीरसता, कोई समय सीमा, कोई प्रतिबद्धता नहीं, यह एक ऐसा दिन होगा जब आप आराम की तलाश कर सकते हैं। निजी जीवन में कुछ नखरे आपको परेशान कर सकते हैं और उन्हें नजरअंदाज करना आपके लिए आनंददायक रहेगा। आपके लिए आज का खास उपाय, माँ सरस्वती की पूजा करें। शुभ अंक 13, शुभ रंग येलो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। Subscribe now and press the bell icon. अब जानते हैं मार्च का चौथा बुधवार सिंह राशि के लिए क्या लेकर आया है। छात्रों को अपने शिक्षाविदों में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। आज आपको कुछ अतिरिक्त काम के बोझ से जूझना पड़ सकता है, इसलिए ओवरटाइम काम करने के लिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करें। आपकी पदोन्नति होने की प्रबल संभावना है, वित्तीय और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होने की संभावना है। आपके लिए आज का खास उपाय, देवी दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल चढ़ाएं। शुभ अंक 5, शुभ रंग ब्लू। अब जानते हैं मार्च का चौथा बुधवार कन्या राशि के लिए क्या लेकर आया है। आज आपको अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। पेशेवर जीवन में स्थिरता देखी जा सकती है और निजी जीवन में रोमांस की वापसी होने की संभावना है। आज कागजी कामकाज में सावधानी बरतें।
समझदारी से काम लें और जरूरत पड़ने पर ही प्रतिक्रिया दें। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होना चाहिए क्योंकि आपकी आय में वृद्धि होगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार के लिए आपको दवा दी जा सकती है। आपके लिए आज का खास उपाय, भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं। शुभ अंक 19, शुभ रंग पिंक। अब जानते हैं मार्च का चौथा बुधवार तुला राशि के लिए क्या लेकर आया है। आज आपको अपने परिवार के सदस्यों से कोई सुखद आश्चर्य मिलने की संभावना है। आपका व्यवसाय बड़े मुनाफे के साथ समृद्ध और फलेगा फूलेगा। अवसर आपके सामने आ सकते हैं और उन्हें हासिल करने का यह अच्छा समय है। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होने की संभावना है। आज आप आत्ममुग्ध महसूस कर सकते हैं। आपके लिए आज का खास उपाय, गरीब कन्याओं को भोजन खिलाएं। शुभ अंक 26, शुभ रंग पर्पल। अब जानते हैं मार्च का चौथा बुधवार वृश्चिक राशि के लिए क्या लेकर आया है। आज आप कोई मौखिक समझौता न करें। आपत्तिजनक शब्द बोलने से बचें क्योंकि इससे गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। कर्मचारियों को अपने बॉस से कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। आपको उच्च स्तर पर पदोन्नति मिल सकती है जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। तनाव आज आप पर हावी हो सकता है लेकिन इससे उबरने की कोशिश करें। आपके लिए आज का खास उपाय, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। शुभ अंक 12, शुभ रंग ग्रीन। अब जानते हैं मार्च का चौथा बुधवार धनु राशि के लिए क्या लेकर आया है। आज आपके विद्रोही होने की संभावना है। इस बात पर ध्यान रखें कि दूसरे आपकी पीठ पीछे क्या कर रहे हैं क्योंकि इससे कार्यस्थल पर आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है या आपके बॉस के मन में आपके प्रति अच्छी धारणा प्रभावित हो सकती है। आज आपका प्रेम जीवन समृद्ध होगा और फल देगा। किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए ये बहुत अच्छा दिन है, इसलिए कड़ी मेहनत करें और सफलता आपको मिलेगी। आपके लिए आज का खास उपाय, गौरी गणेश जी की पूजा करें। शुभ अंक 26, शुभ रंग ऑरेंज। Subscribe now and press the bell icon. अब जानते हैं मार्च का चौथा बुधवार मकर राशि के लिए क्या लेकर आया है। आज आप जो विकल्प चुनेंगे उसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए समझदारी से सोचें और तुरंत निष्कर्ष पर न पहुंचे। आपका आत्मविश्वास और विश्वास सौभाग्य लाएगा। आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। सेहत आज आपके लिए खुशी लेकर आने वाली है। आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसके लिए अपने दोस्तों या प्रियजनों को दोष न देने का प्रयास करें। आपके लिए आज का खास उपाय, 5 प्रकार के अनाज मिलाकर दान करें। शुभ अंक 15, शुभ रंग ग्रे। अब जानते हैं मार्च का चौथा बुधवार कुंभ राशि के लिए क्या लेकर आया है। यह आपके रास्ते में आने वाले अवसरों का लाभ उठाने का अच्छा समय है। किसी परिचित से मुलाकात का अनुमान लगाया जा सकता है। किसी नए प्रोजेक्ट से बड़ा मुनाफा हो सकता है जिससे आप आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आज आपको परेशान कर सकती हैं लेकिन वे अस्थायी हैं क्योंकि आपको जल्द ही राहत मिल जाएगी। आपके लिए आज का खास उपाय, शनि मंदिर में नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शुभ अंक 3, शुभ रंग ब्लू। अब जानते हैं मार्च का चौथा बुधवार मीन राशि के लिए क्या लेकर आया है। आपके आसपास के लोग आज आपके धैर्य के स्तर की परीक्षा लेंगे। वित्तीय स्थिति में सुधार होगा क्योंकि नकदी का प्रवाह काफी संभव है। आपको अपने प्रियजनों से कोई सरप्राइज मिलने की भी संभावना है। निकट भविष्य में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप दवा पर रहेंगे लेकिन कोई गंभीर बात नहीं है। अपने काम को नजरअंदाज न करें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आपके लिए आज का खास उपाय, सफेद रंग की वस्तुएं दान करें। शुभ अंक 10, शुभ रंग ब्लैक। आशा करती हूँ आपको आज का राशिफल अच्छा लगा होगा और आप ये जान पाए होंगे कि आज आपका भाग्योदय होगा या नहीं। इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें जिससे सभी अपना राशिफल जान सके। दोस्तों, कल का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। माता रानी आपका आज का दिन शुभ करें। जय माता की।